जम्मू के नगरोटा और डंसाल ब्लॉक में चौथे चरण के जिला विकास परिषद चुनाव संपन्न हो गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और अपने उम्मीदवारों के लिए वोटिंग की। वहीं कोविड-19 के दिशा निर्देशों के बीच कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। लोगों ने उम्मीद जताई है कि इन चुनाव के बाद इलाके में विकास की रफ्तार तेज होगी। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू के सौंदर्यकरण पर लगातार कदम उठा रहा है। इसी क्रम में जम्मू तवी नदी के चौथे पुल पर नए ट्री गार्ड लगाने के काम का विधिवत उद्घाटन जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता के कर कमलों द्वारा किया गया। कश्मीर घाटी के श्रीनगर प्रेस एनक्लेव में जम्मू कश्मीर हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ICDS ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए और जल्द से जल्द उनका बकाया वेतन रिलीज किया जाए। कश्मीर घाटी में ऑल जम्मू कश्मीर फेयर प्राइस शॉप्स डीलर्स यूनियन फूड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदेश सरकार से अग्रिम नगद आदेश की विरोध करते हुए मांग की कि प्रदेश में मिनिमम वेजेस एक्ट को तुरंत लागू किया जाए। कश्मीर घाटी के श्रीनगर प्रेस एनक्लेव में पूर्व आतंकवादियों की पाकिस्तानी पत्नियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर विरोध किया। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए अनुरोध किया कि या तो उन्हें नागरिकता प्रदान की जाए या फिर उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। जिला रामबन के नचला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती शाम एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। सेना की नचला टीम ने तुरंत एक्शन में आई और मकामी लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। कश्मीर घाटी के श्रीनगर के बाहरी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नरबल इलाके में एक संदिग्ध मारुति कार को सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मारुति कार बिना रुके वहाँ तेजी से निकल गई। इसी अफरा तफरी में एक नागरिक भी मामूली रूप से घायल हो गया। वहीं SP वेस्ट श्रीनगर शहजाद सलाही ने बताया कि आतंकियों के इस इलाके में मौजूदगी के इनपुट पहले से ही थे। इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बीते दिन पुंछ के LOC को पार कर भारतीय सीमा में घुसी दो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की लड़कियों लाइबा जबेर 17 वर्ष और साना जबेर 13 वर्ष जो गांव अब्बापुर तहसील कहुता की है, उन्हें आज बाई इज्जत पुंछ के चक्कादे बाग से वापस POK भेज दिया गया। उन्हें पाकिस्तानी सेना को सुपुर्द कर दिया गया है। यूटी जम्मू कश्मीर में चौथे चरण का जिला विकास परिषद चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। आज 34 सीटों के लिए मतदान हुआ, 17 जम्मू संभाग से तो वहीं 17 कश्मीर संभाग की। इनमें 249 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मत पेटियों में कैद हो गया है। इन सीटों पर 138 उम्मीदवार कश्मीर संभाग से तो वहीं 111 उम्मीदवार जम्मू डिवीजन से हैं। इन सीटों में 82 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। जिला डोडा में BJP डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी ST मोर्चा डोडा अब्दुल रशीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है। उनके साथ बड़ी तादाद में उनके समर्थकों ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। अब्दुल रशीद ने इस मौके पर कहा कि वो भाजपा में घुटन महसूस कर रहे थे। वहीं DDC चुनाव में अब्दुल रशीद और उनके समर्थकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील की। देश भर में किसानों और कृषि बिल्स को लेकर विरोध जारी है। इसी को देखते हुए 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसी क्रम में जम्मू के ट्रांसपोर्टरों द्वारा 8 दिसंबर को किसानों के समर्थन में चक्का जाम बंद की घोषणा कर दी गई है। देश भर के साथ साथ कोरोना वायरस महामारी का उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कोविड-19 के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर सफाई कर्मचारी दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहे। इसी क्रम में GMC हेल्थ ऑफिसर और GMC पार्षद द्वारा सफाई कर्मचारियों को वार्ड नंबर 19 में साबुन की टिक्कियां बांटी गयी।